How's it really? You could have been a good girl, but instead you chose a real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. तो इस एनिमे के शुरुआत में हमें एक वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहां पर एलियन क्रीचर्स, जिसे किसीचू के नाम से जाना जाता है, वो इस अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं और ह्यूमंस का एक स्पेशल एच एनर्जी को खत्म करना चाहता है और उन लोगों को बहुत कमजोर कर देना चाहते हैं, ताकि वो इसकी हेल्प से उनके दुश्मन टीनेजर्स, जिसे एच एक्स एरोस के नाम से जाना जाता है, जिनके पास बहुत तरह के स्पेशल पावर होती है, जिसकी हेल्प से वो उन एलियन क्रीचर को बड़े आराम से हरा सकते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम एंजो रेट्टो होता है, जो कि अपने हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और उसने अपनी पावर्स को भी अवेकन करके एक एचएक्स एरोस मेंबर बन गया होता है, एक एलियन किसीचू के अटैक से बचाकर। जिसके बाद हमें रेट्टो के अलावा चार और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिनके नाम किरारा होशिनो, मोमोका मोमोजोनो, सोरा तेंकुजी और महमे शिरायू की होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एच एक्स एरोस हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें रेट्टो और उसके नए साथीदारों को एच एक्स एरोस हेडक्वार्टर ले जाया जाता है, जहां पर वे सभी उस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ से मिलते हैं, जिसका नाम जो एनो होता है और जो सबको बताता है कि एच एक्स एरोस सदस्य अपनी एरोस ऊर्जा को किसैचू से लड़ाई करने में उपयोग कर सकते हैं, और वह ये भी बताते है कि यह रोज ऊर्जा तुम्हारे सेक्सुअल इच्छा और उत्तेजना से मिलता है, जिससे तुम सभी लोग उस पावर की मदद से उन एलियन से लड़ सकते हो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एच एक्स एरोस टीम का पहला मिशन दिखाया जाता है, जहां पर एच एक्स एरोस टीम अपने पहले मिशन पर जाते हैं, जहां पर उन्हें किसैचू दिखाया देता है जो एक मनुष्य के एच एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। जिसके बाद एच एक्स एरोस टीम अपने टीम वर्क और मेहनत और अपनी यूनिक योग्यताओं से उस किसैचू को हरा देते हैं, लेकिन अपने इतना ज्यादा पावर यूज करने से एंजो और किरारा के सारे कपड़े फट जाते हैं, जिसे देखकर एंजो को शर्म आने लगता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ और लोग आने लगते हैं, जिसे सुनकर वह दोनों एक कार में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन किरारा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वह इस टाइम बिल्कुल नेकेड थी। जिसके बाद जब वो लोग वहां से चले जाते हैं, एंजो किरारा को अपना शर्ट दे देता है ताकि वह खुद को कवर कर सके, जिसके बाद एंजो बोलना लगता है कि मैं आज के बाद इन एलियंस को नहीं छोड़ूंगा, जिसमें कि किरारा भी उसकी अब से हेल्प करने को मान जाती है, लेकिन तभी गलती से किरारा की शर्ट थोड़ी से ऊपर हो जाती है, जिसके वजह से किरारा एंजो को वहीं पीट देती है क्योंकि एंजो उसे देख रहा था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें किरारा और एंजो को दिखाया जाता है, जहां पर किरारा एंजो से साथ उसके एच एक्स हीरोज के घर में उसके साथ रहने के लिए मान गई होती है। जिसके बाद जब किरारा एंजो के साथ उस घर में जाती है, तब वहां पर सब एच एक्स हीरोज की टीम उसको यहां देखकर बहुत खुश होती है और उसमें से एक लड़की बोलती है कि बहुत अच्छा हुआ, जो अब से किरारा भी हम लोग के तरह एलियन से फाइट करेगी। जिसके बाद वह सभी लड़कियां किरारा को लेकर घर में चली जाती है, ताकि वे सभी उसे घर घुमा सके। और दूसरी तरफ एंजो बहुत ज्यादा थक गया होता है और अपने कमरे में जाकर जैसे ही अपनी बेड पर आराम करने जाता है, तब वह ये सोचकर शर्माने लगता है कि उसकी बचपन की टीक्रश उसके साथ ही रहेगी। लेकिन जब एंजो ये सब सोच ही रहा था, तभी उस घर का डेंजर अलार्म बजने लगता है और उसमें से जो अन्नु बोलता है कि एक बहुत पावरफुल किसेइचू सिटी में देखा है, तो तुम सब जल्दी से रेडी हो जाओ उस किसेइचू से फाइट के लिए। और ऐसा बोलते ही वो एंजो से नीचे का टनल ओपन कर देते हैं, जिसके वजह से एंजो सीधा किरारा से संतरा पर गिर जाता है, जिसके वजह से एंजो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, जिसके वजह ऐसी किरारा वहां से बहुत गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद एंजो बाकी लड़की से पूछता है कि तुम सब एक साथ यहां क्या कर रही थी, जिस पे कि वो सब बताते हैं कि वो सब बस किरारा को ये घर देखा रहे थे और किरारा को रिलैक्स करवाने के लिए हम सब कुछ देर के लिए नहाने आए थे। और तभी दूसरी तरफ किरारा गुस्से से अपनी एरोस एनर्जी को रिलीज करती है, जो सीधा उनके घर से छत को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके सेचू को मार देती है, जिसपे कि वहाँ के सभी लोग किरारा की पावर को देखते ही रह जाते हैं। और ऐसा दिखाते के साथ हमारा यह पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिल सके।